नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाव ब्रेकफास्ट, मैं हुमांशी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और दिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को एक बार समझकर कर लेते हैं। अच्छे संकेत विदेशी बाजार से आते हुए दिख रहे हैं, अमेरिकी बाजार कह लीजिए या फिर एशियाई बाजार, अच्छे लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अमेरिकी बाजार की शुक्रवार की क्लोजिंग सबसे पहले देखिए, शानदार क्लोजिंग के साथ यहाँ पर अमेरिकी बाजार बंद होते हुए दिखे। करीब 337 अंकों की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। S&P और NASDAQ भी देखें, तेजी के साथ ही यहाँ पर कारोबार कर रहे थे। दमदार संकेत अमेरिकी बाजार से एशियाई बाजार की ओपनिंग एक बार देख लेते हैं। मिली जुली शुरुआत यहाँ से आती हुई दिख रही है। सबसे पहले सेंसेक्स निफ्टी आपके सामने 11,944 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। बिल्कुल मिली जुली शुरुआत एशियाई बाजार की आप देखेंगे। हांगकांग के बाजार, तमाम एशियाई बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड करें वो भी एक बार आपको समझा देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल लेकर आते हैं तमाम एशियाई बाजार और वहां पर किन लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है ये भी आपको बताने की कोशिश होगी। मिली जुली शुरुआत वहां से होती हुई दिखेगी। और साथ ही आपको याद होगा कि 5 और 6 दिसंबर को ओपेक की 2 दिवसीय बैठक थी। बैठक का नतीजा क्या कुछ निकल कर आया, विस्तार से वहां पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन चलिए अब विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से क्या कुछ कहना चाहते हैं वहीं जानने के लिए दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ हैं। पूजा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि खबरों वाले शेयर्स बताएंगी। दीपांशु गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो आज ग्लोबल बाजार के दमदार संकेतों के पीछे की वजह क्या है बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, अच्छे संकेत आ रहे हैं। एशिया में भी ज्यादातर करके तेजी का ही माहौल है इस समय। हालांकि चाइना का जो नवंबर एक्सपोर्ट्स डेटा था वहां पर थोड़ी आशंकाएं जरूर आई हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो अमरीकी बाजार से डेटा आया था उससे अच्छे संकेत आए हैं। पर इसके अलावा अगर आप देखें तो ये हफ्ता बहुत के लिए, क्योंकि ट्रेड डील पर 15 दिसंबर की एक डेडलाइन थी जहां से नए टैरिफ लागू होने वाले हैं। अभी तक फेज वन ट्रेड डील साइन नहीं हुई है तो पता नहीं कि आगे जाके क्या होगा। कुछ नए संकेत नहीं आए हैं ट्रेड को लेकर, ऐसी एक दो बातचीत चल रही है, हम देखेंगे क्या करेंगे, कोई डेडलाइन का हमारा इस समय वो नहीं है, वैसे करके संकेत आए हैं पर कोई क्लियर संकेत नहीं। तो देखना पड़ेगा कि उन टैरिफ्स का क्या होगा। पर उसके अलावा आप देखें तो दमदार तेजी देखने को मिली जहां तक अमरीकी बाजारों का हाल है। उनके जो आंकड़े आए, एक तो जॉबलेस क्लेम्स वो काफी स्ट्रांग थे लास्ट वीक, उसके बाद जो शुक्रवार को आंकड़ा है वो काफी स्ट्रांग थे। सबसे पहली बात तो जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, उसमें इन्होंने तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां क्रिएट करी जो कि अनुमान के से काफी बेहतर था। यही नहीं, जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, बेरोजगारी वाला डेटा, वो 50 साल के निचले स्तर पर है। 3.5% की बेरोजगारी डेटा है और कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ये एक्चुअली कुछ बेरोजगारी नहीं, क्योंकि इतना तो इकोनॉमी में रहता ही है लैग के साथ। तो देखें तो तकरीबन 340 अंक की तेजी डाउ में देखने को मिली। एप्पल और अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट है, इन जैसे शेयर्स ने नया हाई बनाया। वहीं यूरोप में भी देखें तो माहौल तेजी का ही रहा। यूरोप के लिए भी ये अहम हफ्ता है क्योंकि 12 दिसंबर को यूके में जनरल इलेक्शंस हैं, तो देखना पड़ेगा कि वहां से क्या संकेत आते हैं, क्योंकि फिर ब्रेग्जिट की क्या डायरेक्शन है वो भी हमें पता चलेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सुस्ती है और रुपए में तकरीबन 9 पैसे की हमने बढ़त देखी शुक्रवार के दिन। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर तमाम बाजारों से जो संकेत आ रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन दीपांशु ये भी बताएं, ओपेक की 2 दिवसीय बैठक तो खत्म हो गई, बैठक का नतीजा क्या निकला, कैसा निकला, उसका असर क्रूड पर कैसा पड़ेगा? क्रूड के प्राइसेस में अगर आप देखें तो जो कह सकते हैं कि मार्केट ने ये फैक्टर इन कर लिया था, क्योंकि मीटिंग से पहले बात हो रही थी कि ये तकरीबन 4 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पाद घटाने में बढ़त करेंगे, इसको 5 लाख बैरल कर दिया है तो अनुमान से बेहतर रहा है। तो अब रोजाना 17 लाख बैरल की कटौती रहेगी। सऊदी ने कहा है कि वो ये कटौती बढ़ा भी सकते हैं अगर बाकी देश अपने कोटा को एक्सीड ना करें। तो देखना पड़ेगा क्या होता है, पर अगर देखें तो पूरा ये प्राइस इन हो गया था। तकरीबन $64 के आसपास है इस समय ब्रेंट और वहीं तकरीबन $59 के आसपास है WTI। तो ज्यादा बढ़त नहीं देखने को मिल रही है, बट पिछले हफ्ते हमने तकरीबन 7% की तेजी जरूर देखी थी कच्चे तेल के प्राइसेस में। इसके अलावा अरामको की जो IPO है वहां से भी संकेत अब आ गए हैं। ये IPO को तकरीबन 4.5 गुना बोलियां मिली थी, तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा। $25.5 अरब के ज्यादा की ये लिस्टिंग होगी। 11 दिसंबर को लिस्टिंग होने वाली है $32 प्रति शेयर पे, जो तकरीबन $8.5 प्रति शेयर का मार्क है, तो वो भी एक अहम रहेगा। बट जहां तक बात करें इतना ही, अब इस हफ्ते तेल अब से ज्यादा संकेत नहीं आने वाले, ट्रेड डील और यूके इलेक्शंस ये दो बड़े ट्रिगर्स रहेंगे मार्केट्स के लिए। ओके दीपांशु, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से
तमाम कुछ ग्लोबल मार्केट्स क्या कुछ कह रहे हैं, क्रूड और रुपी के लेवल्स क्या कह रहे हैं, सब कुछ आपके सामने हमने रखा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि शुक्रवार के दिन कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FISDIs का एक्शन एक बार समझते हैं। 867 करोड़ की यहां पर बिकवाली कैश मार्केट में FIIs कर रहे हैं। वहीं घरेलू निवेशक जो है 211 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में कर रहे हैं। और वायदा बाजार की अगर बात करें तो FIIs की तरफ से वहां पर खरीदारी है करीब 2533 करोड़ की। तो कैश मार्केट में FIIs की तरफ से बिकवाली है, लेकिन हाँ वायदा बाजार में FIIs कर रहे हैं खरीदारी। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजार के संकेत आज दमदार हैं, कैसे समझें इन्हें और आज के लिए आपकी पहली रणनीति बताएं। देखिए शुक्रवार को जिस तरह से कमजोरी हुई उससे आज थोड़ी उबरने की कोशिश भारतीय बाजार करेंगे। एक अच्छी मुनाफा वसूली, अच्छी बिकवाली का दबाव दिखा, लेकिन अमेरिका में जो तेजी हुई है वो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड है। सोचा नहीं था कि 300-350 पॉइंट ऊपर जाकर डाउ बंद होगा और बाकी ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सपोर्ट करते हुए दिखे, तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार थोड़ा बाउंस कर सकते हैं। लेकिन अब है ना, यहाँ से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज है, वो है 12,000 का लेवल। अब वापस से आप 12,000 का लेवल पार करके टिकेंगे, बंद होंगे, तो फिर से आप ये समझिए कि ये एक छोटा करेक्शन था जो पूरा हो गया, नहीं तो फिर बाजार थोड़ा सा ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाएंगे। वैसे एक चीज और अच्छी है कि FIIs की डेटा सेलिंग साइड पर लेकिन उतने ज्यादा नहीं जितना बाजार गिरा है। इसका मतलब क्लियर कट है कि 12,000 के नीचे ट्रेड करने पर और 11,900 के लेवल के आसपास आने पर थोड़ी सी बिकवाली ट्रेडर्स की तरफ से हुई है, ट्रेडर्स अपनी पोजिशन हल्की करते हुए नजर आए। तो अब आज के लिए जहां तक सवाल है, नीचे की तरफ 11,850 11,900 ये सपोर्ट का काम करेगा। गैप से खुलते तो शायद इसी रेंज पर हम सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे और ऊपरी स्तरों पर 12,000-12,050 वो रेंज है जहां पर जाकर बाजार रुकते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 31,000 के आसपास पहला सपोर्ट है और ऊपरी स्तर पर 31,600-31,700 की रेंज में जाते ही बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना आप मान सकते हैं। बिल्कुल अनिल जी, साथ ही सेक्टर्स आज कौन से होंगे जिस पर फोकस रखना चाहिए? देखिए मेटल्स मजबूत रहेंगे और हम लगातार कह रहे हैं कि देखिए मेटल्स बाय ऑन डिप सेल गिरावट में खरीदारी करने वाले स्टॉक्स हैं, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, मजबूती रहेगी रहेगी। और जहां तक अगर कमजोरी का सवाल है, बाजार कमजोर हो रहे हैं, ऊपरी स्तरों पर नहीं टिके, तो बैंक थोड़े कमजोर हो सकते हैं। तो कमजोरी की तरफ बैंक पर ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करिए और मेटल्स को गिरावट में खरीदते रहिए। बिल्कुल अनिल जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए पहली ट्रेडिंग रेंज आपके लिए निफ्टी में 11,850 से 12,000 की दी गई है और साथ ही बैंक निफ्टी की अगर बात करें 31,000 से 31,600 के ट्रेडिंग रेंज को आप ध्यान में रखकर चलें। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स में पॉजिटिव नजरिया बनाकर चल सकते, खरीदारी का मन यहां पर बनाया जा सकता है और साथ ही अगर शुक्रवार की बिकवाली आज भी हावी होती है बाजार पर तो बैंक्स में गिरावट देखी जा सकती है। तो बैंक्स और मेटल्स दोनों पर ही आज सेक्टर स्पेसिफिक निगाह रखें। अब पूजा त्रिपाठी से जानते हैं कि आज खबरों के चलते कौन से शेयर्स हैं जो कि एक्शन में रहेंगे। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? जी आज सेक्टर स्पेसिफिक जो खबरें हैं मानसी उन पर नजर रखनी होगी। फार्मा शेयरों पर आज आप नजर रखिए क्योंकि खबर निकलकर आ रही है कि जो भारत का फार्मा मार्केट है उसमें नवंबर में सालाना आधार पर करीब 14.5% की बढ़त देखी गई है, जिसमें की वॉल्यूम ग्रोथ जो आई है वो पिछले 17 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर आई है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है तमाम फार्मा स्टॉक्स के लिए। मेटल स्टॉक्स पर भी नजर रखिए, यहां पर भी खबर आ रही है कि करीब 48 माइंस हैं जिनकी की लीज खत्म होनी है मार्च 2020 तक, तो जल्द ही उनके ऑक्शंस शुरू हो सकते हैं। तो आज मेटल स्टॉक्स पर भी नजर रखनी होगी। मारुति सुजुकी नवंबर का जो कुल उत्पादन है उसमें हल्की बढ़ोतरी हुई है और सालाना आधार पर करीब 4% की बढ़त इस बार देखी गई है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस यहाँ पर भी नजर रखिए, कंपनी की करीब 250 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए, माफ कीजिएगा QIP के जरिए ये रकम जुटाई जाएगी और इसमें IIFL ग्रुप हाई और कुछ बड़े PE प्लेयर्स का नाम सामने निकल कर आया है जो कि इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो आज इक्विटा स्मॉल फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। TTK प्रेस्टीज कंपनी का बयान आया है कि FY25 तक उनका जो टर्नओवर का टारगेट है वो दोगुना करने का लक्ष्य, इस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं, अपना जो लक्ष्य है टर्नओवर का वो दोगुना कर सकती है, जिसके चलते आज TTK प्रेस्टीज में भी हल्की तेजी देखने की उम्मीद है। SBI BOB जैसे कुछ बैंकिंग शेयर भी आज फोकस में रह सकते हैं। UTI म्यूचुअल फंड का IPO आने वाला है जिसमें कि माना जा रहा है कि अगले एक साल में UTI AMC में
SBI, BOB और LIC समेत काफी सारी कंपनियां जो कि अपनी हिस्सेदारी घटाएंगी और एक साल में जो हिस्सा है वो घटकर 10% होगा, ये सभी की तरफ से बयान आ रहा है। तो आज इन तमाम कंपनियों पर भी नजर रखिए। IRB इंफ्रा बोर्ड ने NCD के जरिए 14,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा रिलायंस पर भी नजर रखनी होगी। कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण करने का मन बना रही है, जिसके लिए करीब 5,000 करोड़ का कर्ज जुटाएगी और इसके लिए SBI, HDFC बैंक और ICICI जैसे बैंकों के साथ बातचीत भी कर रही है। तो इसके चलते आज रिलायंस पर भी नजर रखनी होगी। HDFC बैंक, यहां खबर आ रही है कि कंपनी की जो सब्सिडियरी है HDB फाइनेंशियल, वो विदेशी कर्ज के विदेशी माध्यम के जरिए करीब 2100 करोड़ का कर्ज जुटा सकती है, जिसके चलते आज HDFC बैंक पर भी नजर रखनी होगी। और आखिर में बात करते हैं एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी सैटर्न क्रेडिट केयर की, और खबर निकल कर आ रही है कि मॉर्गन स्टैनली ने 25 नवंबर को करीब 2 लाख शेयर्स बेचे हैं कंपनी के। ठीक है पूजा, IRB इंफ्रा पर आपने क्या खबर बताई, बोर्ड ने क्या फैसले लिए हैं? बोर्ड ने NCT के जरिए करीब 14,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। ये शायद 1400 करोड़ है जो जुटाने की मंजूरी मिली है, 1400 करोड़। ठीक है, चलिए तो ये तमाम खबरें हैं जिस पर फोकस रखना होगा। सेक्टर स्पेसिफिक आज ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि देखिए जिस तरह से अनिल जी ने बताया मेटल और बैंक्स तो फोकस में रहेंगे, लेकिन फार्मा, आपको बता दें नवंबर में फार्मा की बिक्री सबसे अच्छी रही है, करीब 1.5 साल में अच्छी बिक्री फार्मा स्पेस ने दिखाई है, नए प्रोडक्ट्स को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है, जिसके चलते आज फार्मा स्टॉक्स में एक एक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेस भी आप देखें, मारुति ने 9 महीने में कटौती जो है 9 महीने कटौती करने के बाद नवंबर में अपनी जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाया है, इसके चलते एक इम्पैक्ट यहां पर भी ऑटोमोबाइल स्पेस पर पड़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको आज के लिए कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स बता देते हैं, जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। शुरुआत सीधा मोतीलाल ओसवाल से करेंगे, उनका मानना है कि कोटक महिंद्रा बैंक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। याद रखिएगा शुक्रवार के दिन जब बाजार में गिरावट देखने को मिल रही थी तब भी कोटक बैंक परफॉर्म कर रहा था, करीब 1.5% की खरीदारी के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली थी 1740 के लक्ष्य, यहां पर आपको ध्यान में रखने हैं 1640 का यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही मोतीलाल का चॉइस ब्रोकिंग का मानना है कि सेंचुरी टेक्सटाइल के कैश सेगमेंट में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, यहां पर भी तेजी के साथ कामकाज शुक्रवार के दिन देखा था, पहले टारगेट ये 520 के देख रहे हैं, दूसरे टारगेट 525 के, 520 फर्स्ट टारगेट, 525 सेकंड टारगेट, 468 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर आपको खरीदारी का मन बनाकर चलना है। एक्सिस सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कॉल्स अब देख लेते हैं। FDZ लिमिटेड, ये फार्मा कंपनी है, 213 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं, 202 का यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। शानदार ट्रेड आपको शुक्रवार के दिन इस स्टॉक में मिलेगा, करीब 4.25% की तेजी स्टॉक शुक्रवार के दिन की देख रहा था, और आपको जैसे कि हमने बताया फार्मा सेक्टर में भी आज एक्शन देखने को मिल सकता है, इसका सीधा एक इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट FDZ लिमिटेड जैसे स्टॉक पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहां पर भी एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि खरीदारी की राय लेकर चल सकते हैं, 508 के लक्ष्य को यहां पर ध्यान में रखा जाए, 400 के यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तमाम ट्रेडिंग कॉल्स आज जो हैं खरीदारी की तरफ इशारा कर रही हैं। वहीं हमारे खास शो बाजार आज और कल में ब्लू ओशन के आशीष महेश्वरी ने भी इंट्राडे पोजिशनल और लंबी अवधि के लिए निवेश के नजरिए बताए हैं, आइए जानते हैं कौन से शेयर वो सुझा रहे हैं। एक स्टॉक है जो मैं बताना चाहूंगा वो है रिस्क लाइफ साइंसेज, जो एक सप्ताह में करीब 7% का रिटर्न दिया रिस्क लाइफ साइंसेज ने, और यहां से भी मेरा मानना है करीब 21 रुपए की इसमें और अपसाइड बाकी है। यहां पर मैं स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा कोटक महिंद्रा बैंक, पिछले पूरे सप्ताह में इस बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसके बाइंग करने का रैशनल ये भी है कि दूसरे बैंक्स का जो परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, बट ऐसा कोई परफॉर्मेंस में जो फियर फैक्टर है वो कोटक महिंद्रा बैंक के परफॉर्मेंस में नहीं है। मैं एक NBFC को रिकमेंड करना चाहूंगा कि जो उनकी ग्रोथ है वो काफी उनका मोमेंटम बना हुआ है, वो जो लेंडिंग करते हैं वो बहुत छोटे जो कॉरपोरेट्स हैं या SME हैं, टू व्हीलर और कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में करते हैं, बट सारी लेंडिंग सिक्योर्ड फॉर्मेट में करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि आगे जाके बिल्कुल एक स्टार परफॉर्मर रहेगा और 1000 रुपए का प्राइस टारगेट अगले 6 महीने में भी इस स्टॉक में आ सकता है। मेरा मानना ICICI बैंक, इसका काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहा है इस बार पिछली रैली में, अभी भी सलाह रहेगा कि PSU बैंक्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, अभी भी कोई बहुत ज्यादा लैंडिंग साइड पे और या उनके रिजल्ट साइड पे कोई सरप्राइजेस नहीं आने वाले हैं, जबकि ICICI बैंक अभी काफी ट्रैक पर आके उन्होंने लोन ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ सारा दिखाया है, तो ICICI बैंक मेरा मानना है नए हाइज की तरफ आगे आपको रिबाउंड में जाता दिखेगा।
चलिए, तो सुबह सुबह ही आपके निवेश और ट्रेड दोनों को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही पोजिशनल और लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए भी आपको कहां पर खरीदारी करके चलनी है हमने आपको बता दी। करीब 6 से 7 स्टॉक्स आपको सुझाए गए हैं, कोटक बैंक, सेंचुरी टेक्सटाइल, एफडीसी लिमिटेड, कोरोमंडल, मास फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई बैंक। इन तमाम स्टॉक्स में आप पोजिशनल, लॉन्ग टर्म और साथ ही इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर एक्सपर्ट की तरफ से पोजिशनल और साथ ही लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव के हिसाब से राय दी गई है। आपको बता दें बाजार आज और कल में आपको मिलता है बाजार के दिन भर का एक्शन और अगले कारोबारी सत्र में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, इस पर एक्सपर्ट देते हैं सलाह। कमाना है मुनाफा तो सोमवार से शुक्रवार शाम 7:26 पर जी बिजनेस के साथ जुड़ना ना भूलें। राज बाजार में कहां हो सकती है आपकी कमाई, इस पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रही हैं एंजल ब्रोकिंग की स्नेहा सेठ। स्नेहा, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर अपना नजरिया बताएं, शुक्रवार के दिन जो बिकवाली के साथ हमने क्लोजिंग देखी, आज बाजार अपने आप को संभालेंगे? गुड मॉर्निंग मानसी, लास्ट वीक हमने देखा है कि ओवरऑल इंडेक्स थोड़ा प्रेशर में ही रहता, वो उसकी वजह से जो हम लोग सपोर्ट देख रहे थे 11,950-12,000 का, वो भी उसने ब्रीच करके क्लोजिंग बिलो दिया है। तो अभी के लिए हम हमारा मानना है कि ट्रेडर्स को इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, और आज का कैसा अगर इधर से इसकी रिकवर करता है और सस्टेन करता है टूवर्ड अबाव 11,950-12,000, तो एक बार फिर से बाइंग की पोजिशन बना सकते हैं। और अगर इधर से अगर आप देखेंगे कि थोड़ा करेक्शन आ रहा है तो थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है ये जो फॉल दिखाया हमें फ्राइडे का। और अगर आप ऑप्शंस में भी जब एक्टिविटी देखेंगे तो 12,000 की जो कॉल है मंथली सीरीज की, उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, कॉल और पुट दोनों में ही 12,000 के ही स्ट्राइक पर बिल्डअप है। तो नॉर्मली ये होता है तो हमने देखा है कि एक अच्छी मूव आती है इधर डायरेक्शन में, तो इसलिए ट्रेडर्स को इंडेक्स में अभी के लिए ट्रेड करना बेटर रहेगा कि अवॉइड करें, स्टॉक स्पेसिफिकली ट्रेड करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन अगर कहीं स्टॉक पर नजरिया बनाना भी है आज ही के दिन के लिए नहीं, लेकिन कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहां पर पॉजिटिव नजरिया आप देख रही हैं? इंडिविजुअल काउंटर्स में कोटक बैंक आप देखेंगे तो कल लाइक फ्राइडे को अगर मार्केट में फॉल भी दिखाया, ये स्टॉक काफी स्ट्रेंथ दिखाया है। पहले आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छी मूव दिख रही थी, अभी कोटक बैंक में काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो हमें कोटक बैंक में बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। 1740-1750 तक के टारगेट रहेंगे और 1640 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके स्नेहा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप गौर करें तो ट्रेडिंग कॉल्स में भी फंड एक्शंस ब्रोकर्स की राय थी कोटक बैंक में खरीदारी की, साथ ही हमारे एक्सपर्ट जो बाजार आज और कल में हमारे साथ जुड़े उनका भी मानना था कि कोटक बैंक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और साथ ही स्नेहा भी कह रही है कि कोटक बैंक में पॉजिटिव नजरिया बनकर चल सकता है। आपको बता दें बिकवाली वाले दौर में भी ये स्टॉक जो है परफॉर्म कर रहा था, और अब जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक में एक अपटेक दिखी है, कोटक बैंक में भी पूरी तरह से यहां पर गुंजाइश है कि आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स पर और ज्यादा कामकाज होता हुआ दिखे। तो यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक पर आपके लिए खरीदारी की राय। बाजार में आपकी आज की रणनीति क्या होनी चाहिए बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आनंद राठी के जिगर राठी। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, जिगर बताएं बुलियन मार्केट पर आपका नजरिया क्या होगा? गुड मॉर्निंग मानसी जी, मुझे लग रहा है कि गोल्ड में आज खरीदारी का माहौल रहना चाहिए। देखिए फ्राइडे को वैसे तो नॉन फार्म पेरोल नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, गोल्ड सिल्वर में हमने सेलिंग प्रेशर भी देखा था, तो लग रहा है आज के मार्केट में बाउंस बैक बन सकता है मॉर्निंग सेशन में। पर्टिकुलरली फरवरी बाय करके चल सकते हैं 37,700 के आसपास, 37,600 स्टॉप लॉस एंड 37,900 इज टारगेट। ओके जिगर, साथ ही बेस मेटल्स आपसे समझना चाहेंगे, कोई टॉपिक जहां पर आज खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं? राइट, तो लास्ट फ्राइडे हमने कॉपर में, निकल में, दोनों में अच्छा सा एक बाउंस बैक देखा था, मोर डिसिजिव मुझे कॉपर लग रहा है। टॉक्स आर गोइंग वेरी वेल, ये स्टेटमेंट्स भी आए हुए हैं लेटेस्ट फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट, तो मुझे लग रहा है सेंटीमेंट सपोर्टिव रहना चाहिए आज के दिन में बेस्ट में। उसमें कॉपर डिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चल सकते हैं 438 के आसपास, 435 इज स्टॉप लॉस, 444-445 इज टारगेट। ओके जिगर, ओपेक की बैठक के बाद क्रूड में एक उछाल हम देख रहे हैं, अब आगे लेवल्स कैसे रहेंगे? करेक्ट, सो जो 5 लाख बैरल्स का जो कट की एक्सपेक्टेशंस थी वो तो अभी डिसीजन आ चुका है, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग होगी मार्च तक, बट जो भी ये डिसीजन आया है अब तक दैट इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट। मुझे लग रहा है आज क्रूड में भी एक बाउंस आना चाहिए मार्केट में, दिसंबर बाय करके चल सकते हैं 4200 पे, 4160 इज स्टॉप लॉस एंड 4280 इज टारगेट। ओके जिगर, सुबह सुबह अपना समय देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और अब सीधा बात करते हैं एफआईआर यानी कि एफआईआर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का।
हमारे इस खास सेगमेंट एफआईआर में हम आपको बताते हैं ब्रोकरेज हाउस की नजर किन शेयर्स पर है, और बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारी रिसर्च एनालिस्ट सृष्टि शर्मा। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आईनॉक्स लेजर से, जहां पे सीएलएसए की काफी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उन्होंने 450 तक के टारगेट्स दिए, जो कि मौजूदा भाव से 23% के से ऊपर के टारगेट्स वो बता रहे हैं। खरीदारी की राय के साथ उनका मानना है कि कंपनी का क्षमता विस्तार पे काफी अच्छा फोकस है, और आने वाले समय में जो विज्ञापन आय जो यहाँ पे कंपनी की रहेगी काफी मजबूत रहेगी। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रिपोर्ट। उसके बाद बात करते हैं हम जुबलिन फूड्स की, जिसपे आज सिटी की रिपोर्ट आई है। उन्होंने भी यहाँ पे खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 1655 के बता रहे हैं। आने वाले समय में जो मैक्रोज में जो धीमापन चल रहा है कंपनी के ऊपर, उसका काफी कम असर होता हुआ नजर आएगा, और वैल्यूएशन काफी बढ़िया लग रहे हैं। और आखिरी में HSBC की आज इन्फोसिस पे रिपोर्ट आई है, जिसपे उन्होंने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य 800 रुपए के बता रहे हैं। और आने वाले समय में यानी 2020 में ऐसी ही मजबूत आईटी सेक्टर के लिए वो उम्मीद कर रहे हैं। ओके सृष्टि, शुक्रिया तमाम ब्रोकर रिपोर्ट्स हमारे सामने रखने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।